देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर हम अलीगढ़ की बात करते तो अलीगढ़ में अभी तक जो ओमिक्रॉन का सब ब्रांड किया था BF6 उसको लेकर अभी भी कोई भी कोरोना का मरीज अब तक सामने नहीं आया। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉकड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे वो L1 L2 या L3 यानी कि कोविड के जितने भी अस्पताल है उनको पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उस खासी बात में क्योंकि जिस तरीके से हमने कोरोना की पिछली लहर को देखा था उसमें ऑक्सीजन की लगातार कमी पड़ी हुई थी, तो ऑक्सीजन की अपनी बार कोई कमी ना पड़े इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलग है। देखिए हम अलीगढ़ में खुद मौजूद है, लेकिन अलीगढ़ में अगर कोरोना की अगर ताजा हालत की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक यहाँ पर कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया, लेकिन लोगों में अवेयरनेस करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है। हालांकि देखिए पीछे अगर मैं तस्वीरों की बात बताऊं तो यहाँ पर कोई भी मास्क लगाकर अभी तक नहीं घूम रहा, लेकिन गाइडलाइन एक तरीके से जरूर जारी कर दी है। जितने भी अस्पताल है अगर वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां मास्क कंपलसरी हो चुका है, यानी कि मास्क लगाकर ही आप कोई भी दवाई को ले पाएंगे। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है BF7 को लेकर अलीगढ़ में पूरी तरह से तैयारियां चाको चौबंद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है, और साथ ही साथ में मॉकड्रिल कर लिया गया है। मॉकड्रिल के अलावा जो भी अगर देखिए क्योंकि देखा यही जा रहा है कि क्योंकि आगरा में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन अलीगढ़ में कोई भी अगर बाहर से अगर व्यक्ति आता था उसकी कोविड की जांच कराई जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले देखा जा रहा था कि जगह जगह में जितनी भी सरकारी शाखाएं होती थी वहां पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई थी, उन कोविड हेल्प डेस्क को दोबारा से सुचारू रूप से तैयारी की गई है, चाहे वो SSP कार्यालय हो, चाहे वो DM कार्यालय हो या अन्य जितने भी सरकारी कार्यालय हो, वहां पर जो है कोविड हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी कर ली गई है। अगर कोई भी एप्लीकेशन दे जाएगा उसको कोरोना चेक कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चाइना से निकलकर BF7 एक भयावह रूप धारण कर रखा है, जिसके स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिनको पहले भी कोविड हो चुका हो अगर ये वायरस अगर ये जो कोरोना वायरस है अगर एक बार अगर आपकी लपेट में आता है तो ये पहले से ज्यादा घातक है और साथ ही साथ में आपको फिर दोबारा से कोविड हो सकता है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें लगातार अवेयरनेस की जा रही है, जगह जगह टीमें लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखी जा रही है, कहीं बाहर से आने वाले लोग अगर अलीगढ़ में प्रवेश करेंगे तो वो अपना कोविड चेक कराने के बाद ही प्रवेश कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब लगातार मुस्तैद है, जो इसी के चलते हुए मॉकड्रिल कराएगी। और मॉकड्रिल के बाद में अब जितने भी सरकारी शाखाएं और जितने भी स्वास्थ्य विभाग की शाखाएं वहां पर अगर आप लोग अगर दवाई लेने जाते हैं तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, और साथ ही साथ में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए अगर किसी भी विभाग में जाते हैं तो आपका कोविड टेस्ट परमानेंट कर दिया गया है जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.